दिवाली से 3 दिन पूर्व वैजयंती देवी इंटर कॉलेज के बच्चों ने डायरेक्टर तपेश शर्मा, नितेश शर्मा, मैनेजर योगेश शर्मा के दिशा निर्देशन में शानदार प्रदर्शनी लगाई। इस दौरान अच्छी प्रदर्शनी लगाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। स्कूल के होनहार बच्चों ने अपने टैलेंट से सभी को चौंका दिया। वैजयंती देवी इंटर कॉलेज के बच्चों का विज्ञान कला की प्रदर्शनी देख ऐसा लग रहा है कि मानो बच्चों ने स्कूल में मेडिकल का रिसर्च सेंटर, वैज्ञानिकों की लैब और इंजीनियरिंग का कॉलेज खोल दिया हो। बच्चों ने सेंसर से चलती ऑटोमेटिक रेल, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, सोलर सिस्टम, हाइड्रो पावर प्लांट, लक्ष्मी गणेश दीपक जैसे आइटम बनाए तो सभी खुशी से झूम उठे। आज दिवाली से पहले, दिवाली त्यौहार से पहले हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने पराक्रम और अपने जो जागरूकता से को देखते हुए उन्होंने कुछ साइंस के प्रोजेक्ट तैयार किए थे, जो हमने हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आज के उनको उनके सामने रखे और उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद सभी हमारे जो विद्यालय के छात्र छात्राएं उनमें जिन्होंने उनको जो सबसे बेस्ट मॉडल लगा उसको उन्होंने प्रेरित किया उन छात्र छात्राओं को कि इसी तरीके से वो, हमारा भी यही कहना है सभी छात्र छात्राओं से कि जीवन में कुछ ना कुछ उद्देश्य ज़रूर होना चाहिए। अगर आप उद्देश्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर जो उद्देश्य को प्राप्ति के लिए जितनी आपको मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत भी साथ में आपको करनी होगी और अपने उद्देश्य को प्राप्त तभी कर सकते हैं। बच्चों के टैलेंट के बारे में तो मैं जब बताऊं, जब देखा आम तौर पर देखा जाता है कि इंटरमीडिएट जितने भी स्कूल साइंस ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप जो चल रहे हैं एक ढर्रे में पढ़ाई चल रही है। तकनीकी तौर पर उनको कुछ क्लासों में बताया नहीं जाता। यही दिमाग मन में बात आती आई तो प्रदर्शनी में देखिए साइंस के बायोलॉजी ग्रुप के बच्चों से एक डायलिसिस प्रोजेक्ट तैयार कराया गया, देखने योग्य था। होनहार बच्चों का ये टैलेंट स्कूल के टीचर्स ने विकसित किया है। स्कूल में कुशल टीचर्स के द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन किया जा रहा है। बच्चों ने इसके अलावा स्मार्ट सिटी, डायलिसिस, डे एंड नाइट इंस्पायरिंग प्रोजेक्ट, वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्लोबल वार्मिंग को भी दर्शाया है। इस विज्ञान वर्ग के जो बच्चों ने मॉडल बनाए हैं निश्चित तौर पर ये बेहद अद्भुत भी हैं और इनके पीछे जो बच्चों ने मेहनत और तैयारी की है ये भी काफ़ी प्रशंसनीय है। और मैं इन बच्चों को यही मैसेज दूंगा कि हमारे विद्यालय के जो छात्र छात्राएँ, जो शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा आप लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से जो अनुशासन का माध्यम है जिसको फॉलो करते हुए आप चीज़ों को पा सकते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको यही कहूँगा कि अपने अंदर एक अनुशासन की भावना, एक अनुशासन जो है एक बेहद मजबूत कड़ी है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में, उस अनुशासन को बनाए रखें अपने अंदर, निश्चित तौर पर आप सफलता प्राप्त करेंगे। प्रोजेक्ट जो देखने योग्य तो सभी थे, लेकिन इस तरीके से अगर स्कूलों में जैसे हम लोगों ने प्रयास किए, हमारे बच्चों ने, हमारे विद्यालय के बच्चों ने जो हमारे साथ प्रयास किए, ऐसा अगर आगरा में हर विद्यालय वाला करे तो मैं समझता हूँ कि तकनीकी का और विकास होगा। बहुत अच्छा लगा, अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही बधाई के पात्र हैं। अध्यापकों ने जो पढ़ाया और विद्यार्थियों ने जो सीखा वो बड़ी सूक्ष्मता के साथ, बड़ी लगन के साथ उन्होंने उस प्रोजेक्ट पर काम किया। हमने जो निर्णय लिया है वो उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता पर लिया है। अपने प्रोजेक्ट को किस प्रकार उन्होंने प्रस्तुत किया, दर्शकों को समझाया कि हमने ये क्या प्रोजेक्ट तैयार किया है, इससे क्या लाभ होंगे और भविष्य में इसकी प्रगति क्या है, इस पर हमने निर्णय दिया है। कॉलेज के प्रांगण में जब सभी प्रदर्शनी को लगाया गया तो ऐसा लगा कि सारा टैलेंट यहीं पर उतर आया हो। बच्चों ने ह्यूमन हार्ट, सोलर सिस्टम, रेनी अलार्म, चंद्रयान लॉन्चिंग, अर्थक्वेक, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजे फॉग मशीन भी बनाया। वैजयंती देवी इंटर कॉलेज का नाम सिर्फ इसीलिए नहीं है कि वो अनुशासन और पढ़ाई को लेकर जाने जाते हैं। स्कूल नितेश और तपेश शर्मा स्कूल के स्टाफ के अच्छे व्यवहार और कुशल निर्देशन के साथ साथ बच्चों के टैलेंट के बारे में भी जाना जाता है। सी न्यूज़ के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।